अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हम भी यहाँ पे ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सभी को ईद मुबारक मेरी तरफ से। ये व्लॉग मैं ईद से पहले ही अपलोड करने वाली थी, लेकिन कुछ बच्चों के हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, तो हाई फीवर है मेरे छोटे बेटे को, तो इस वजह से थोड़ा परेशान थी, कुछ इसका वॉइस ओवर नहीं कर पाई, तो आज मैं इसे अपलोड करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको मेकअप बॉक्स दिखाती हूँ, जो कि रिसीव हुआ है एक दिन पहले ही। आरुष के लिए सरप्राइज़ था उसके फादर की तरफ से, तो मैंने सोचा कि उसकी खुशी में मैं आपको भी शेयर करूं, क्योंकि उसे मेकअप का जो इस तरह का जो बॉक्स होता है बहुत पसंद था। इसलिए वो मुझे बार बार कह रही थी कि मैं ऑनलाइन इसके लिए ऑर्डर करूं, लेकिन उसके लिए खुद सरप्राइज़ ही मिल गया। तो नेक्स्ट मैं जो ड्रेसेस मैंने बच्चों के लिए ख़रीदे हैं वो आपसे शेयर करूँगी। तो गाइस एंड तक बने रहे पूरा व्लॉग देखने के लिए और ड्रेसेस देखने के लिए। आपको पिक्चर्स भी यहाँ पे मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो बेटी के लिए मैंने ये ख़रीदी है ट्विन शर्ट, और इसके साथ मैंने कॉन्ट्रास्ट में लिया है ब्लैक पैंट। अगर फैमिली में कोई भी बीमार है तो आपकी ईद अच्छी नहीं गुजरेगी, क्योंकि बच्चे अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं, आप इन्जॉय कर सकते हैं। तो मेरे इस मुन्ने को, छोटे वाले मुन्ने को बुखार है, और आज ईद का चौथा दिन है और आज भी वो बुखार में तप रहा है। तो गाइस मेरे बेटे के लिए आप ज़रूर दुआ करें कि वो जल्दी ठीक हो जाए, उसका बुखार जल्दी कम हो जाए। व्लॉग भी मैं ईद से पहले ही अपलोड करना चाह रही थी, लेकिन कुछ हालात इस तरह से हो गए कि अपलोड नहीं कर पाई, तो अभी इसको अपलोड कर रही हूँ। और ये पेड़ और एक टी शर्ट, हुडी टी शर्ट बड़े बेटे के लिए, और ये टी शर्ट और ये शर्ट छोटे के लिए मैंने लिया हुआ है। मैंने एक्चुअली इनके लिए कुर्ता लिया हुआ था दोनों के लिए। जब मैं घर पे ला के इनको पहना के देखी तो देखा कि अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसे एक्सचेंज करके दो मंगा लिया। तो यहाँ पर गाइस ये मेरी गाउन है, और इसके साथ मैंने कॉन्ट्रास्ट में ये दुपट्टा लिया हुआ है, और इस दुपट्टे पे पाइपिंग के लिए मैंने कपड़ा बहुत ढूंढा, लेकिन एक कलर में मुझे नहीं मिला तो मैंने स्किप कर दिया। तो यहाँ पे बेल्ट भी है इसके साथ, और ये गाउन है जो बहुत प्यारी गाउन है। एक्चुअली ये दोनों गाउन मैंने यहाँ से नहीं ख़रीदा था, ये सऊदीया के है जो मेरे हस्बैंड ने भेजा हुआ था। तो ये मैं मॉर्निंग फर्स्ट वाली गाउन जो मैंने दिखाई थी मॉर्निंग इसे पहनूंगी। नेक्स्ट ड्रेस जो कि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही प्यारी ड्रेस है रेडीमेड जो मैंने ख़रीदी है। एक्चुअली ये ख़रीदने का मकसद ये था कि इसका कलर बहुत ही प्यारा था, इसकी जो ब्लाउज़ अंदर की ब्लाउज़ भी बहुत ही प्यारी है, और ये जो है ओवर कोट है, और इसके साथ दुपट्टा अवेलेबल नहीं था, डबल कलर वाला दुपट्टा मैंने इसे ऑर्डर करके बनाया है। तो यहाँ पर ईद में ये ड्रेस मैं नहीं पहनूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा ऑल्ट्रेशन है, आपको सेम कलर का इनर और पेट थोड़े से हैंगिंग्स वगैरह बनाने हैं, या फिर कुछ और इस ब्लाउज़ पे बनाने हैं। तो गाइस जो ईद पे ड्रेस मैं पहनने वाली हूँ वो ये ड्रेस है। ये ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, शायद अगर आप रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपको पता चलेगा। थोड़े दिनों नहीं महीने पहले मैंने ये स्टिच करा के लिया हुआ था टेलर के पास से, और इसका भी ट्यूटोरियल मैंने आपसे शेयर किया हुआ है मेरे चैनल पर, आप जाके देख सकते हो। और इसकी जो टॉप है ये बैक साइड है, और इसका जो फ्रंट डिज़ाइन है बहुत ही प्यारा है। अगर आपको पसंद है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके स्लीव्स भी बहुत ही प्यारे हैं, तो स्लीव्स पे मैंने हैंगिंग्स नहीं किए हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसकी भी हैंगिंग्स कर दूंगी, क्योंकि इस रमज़ान में मैंने कोई भी स्टिचिंग का वर्क नहीं किया या फिर कोई भी डिज़ाइनिंग का वर्क नहीं किया। इस फ्रॉक पर मैंने यू शेप्ड एट द सेंटर, आपको ब्लू कलर का जो यू शेप दिख रहा है, ये मैंने इसकी भी ट्यूटोरियल मैंने अपलोड किया हुए हैं मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। और नीचे मैंने हैंगिंग्स बनाए हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये ड्रेस जब मैंने इसे पहना था, और जिसने भी देखा है इसे बहुत ही सराहा है, बहुत पसंद किया है। तो आगे भी बहुत सारे ड्रेसेस जो कि मैंने अपनी बेटी के लिए स्टिच कराए हैं, और इवन मैंने जो रेडीमेड लाए हैं आपसे शेयर करती हूँ। तो एंड तक बने रहे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और कमेंट ज़रूर करें कि कौन सा ड्रेस आपको पसंद आया हुआ है। तो गाइस ये मेरी बेटी के लिए मैंने स्टिच करा के लिया था ये टेलर के पास से, इसे मैंने एक दिन पहले लाई हूँ ईद से। तो इसका जो है कॉन्ट्रास्ट लेगिंग्स रहेगा, और फिर दुपट्टा, इसका डबल कलर दुपट्टा मुझे बनाना है। तो इस तरह का डिज़ाइन है कुछ, तो यहाँ पे जॉइंट है। एक्चुअली जो डिज़ाइन मैं इनको दी थी उसमें ये जॉइंट नहीं था, तो मुझे ये वापस टेलर के पास ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसे यहाँ पर ओपन करके पटिया करना है, जो कि बहुत अच्छा लुक देता है। इस तरह जॉइंट करने से मुझे इसका लुक बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से है, यहाँ पे टू पीसेस है,
लेफ़्ट साइड में। तो ये और एक ड्रेस है जो कि टेलर के पास से मैंने स्टिच करा के लिया है, बहुत प्यारा डिज़ाइन है ये, कलीदार, और नीचे जो फ्रिल्स है लेटेस्ट अभी इस तरह के फ्रिल्स चल रहे हैं। आप अगर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके साथ मैंने ये प्लाज़ो स्टिच करा के लिया है, लेकिन एक्चुअली ये प्लाज़ो मैंने और एक टॉप के साथ कॉन्ट्रास्ट में लिया हुआ है, लेकिन मैंने इसके साथ स्टिच करा के लिया हुआ है क्योंकि वो टॉप ऑलरेडी मैंने स्टिच कर रखा है। और इसके साथ भी ये प्लाज़ो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इन फ्यूचर मैं यहाँ पे लेगिंग्स इसके साथ ले लूँगी और डबल कलर का दुपट्टा ऑर्डर करूँगी। तो गाइस ये बहुत प्यारी ड्रेस है, पाकिस्तानी डिज़ाइन में है, तो इसके साथ मैंने मैचिंग सैंडल्स लिए हुए हैं और ये जो है पर्स जो कि बच्चों के लिए ईदी रखने के लिए। तो ये बहुत प्यारी ड्रेस है, आपको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। और ये जो सैंडल्स है ये भी बहुत ही प्यारे हैं जो कि मुझे बहुत ही पसंद आ गए थे, और ड्रेस भी पहनने के बाद बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये बैक साइड का डिज़ाइन है और फ्रंट में फुल वर्क है, ये फ्रंट डिज़ाइन है और इसके स्टोन्स इतने शाइनी है और इसका बॉर्डर का जो लुक है बहुत ही प्यारा है। तो गाइस ये पिक्चर्स है जो कि मैंने लिए हुए थे ईद के दिन, इसने शाम में ये ड्रेस पहना हुआ था, मॉर्निंग में गाउन पहनी हुई थी, वो भी आपसे थोड़ी देर बाद शेयर करूँगी। तो आपको ये ड्रेस कैसा लगा है ज़रूर कॉमेंट में बताना। और ये जो झूला आपको दिख रहा है ये मेरा फेवरेट झूला है और मुझे हमेशा से झूला बहुत ही पसंद था, और ईद की रात में मैंने इसे यहाँ पे लाया है। थोड़े दिनों पहले ही मैंने इसे प्लान किया हुआ था, लेकिन ईद की रात में एज अ गिफ्ट बच्चों के लिए मैंने इसे डिलीवर करवाया है। तो आपको ये झूला कैसा लगा है वो भी आप मुझे कमेंट करना। तो नेक्स्ट ये गाउन है, इसे बटरफ्लाई गाउन कहते हैं, फुल शिफॉन में है और इसके ऊपर जो है बहुत रेशम वाली एम्ब्रॉयडरी है, बहुत डेलिकेट एम्ब्रॉयडरी है, और इस तरह से इसके साथ बेल्ट आता है। तो ये हाफ वाइट कलर में मैंने इसे लिया हुआ है क्योंकि ईद की मॉर्निंग में पहनने के लिए, तो मॉर्निंग में इसने ये ड्रेस पहना हुआ था। इसके अंदर जो है स्लीवलेस है, इसके साथ इनर भी पहन सकते हैं, मैंने उसे इनर नहीं ख़रीदे, वो इसी तरह से पहन लेगी। तो ये भी बहुत प्यारी गाउन थी, और जो मैंने पिक्चर्स लिए हुए हैं उतने ख़ास नहीं आए मेरे ख़्याल से, तो ये पिक्चर्स है, लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी ये गाउन, लेकिन पिक्चर में मुझे उतनी प्यारी नहीं लग रही है। तो और एक ड्रेस है जो कि प्लाज़ो है, ये भी शिफॉन में है, आप देख सकते हो शिफॉन फोल्ड करके रखने के बाद किस तरह हो जाता है, जब तक इसे आयरन ना करे ये नीट नहीं हो जाता, और इसे मैं आयरन उसी वक्त करूँगी जब ये पहनेगी, क्योंकि मुझे शिफॉन को आयरन करने में बहुत ही डर लगता है क्योंकि जल्दी पट जाता है। तो इसे मैंने आयरन किए बगैर आपको दिखा रही हूँ, जब ये पहनेगी तब आयरन करूँगी। तो ये जो टॉप है इसका भी फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है, डेलिकेट है, डिज़ाइनर पीस है, इसके नेक पे एम्ब्रॉयडरी है, बहुत ही प्यारा ड्रेस है, इसके साथ नेटेड वाले स्लीव्स है। जब मैंने ये रिकॉर्ड कर रही थी तो इसकी जो स्लीव्स नहीं आए हुए थे, उसके बाद में मैंने उनको कंप्लेंट किया कि इसके साथ स्लीव्स नहीं आए, तो इन्होंने दूसरे ड्रेस के स्लीव्स निकाल के मुझे दे दिया। तो गाइस यहाँ पर मैं पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ, आपको ये पिक्चर्स कैसे लगे हैं ज़रूर कमेंट करना, और जो ड्रेसेस के पिक्चर्स मैंने भेजे हैं वो आपको कैसे लगे हैं ज़रूर आप कमेंट करें। और उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया है, आप ज़रूर कमेंट करें, पसंद आ गया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में हम ज़रूर मिलेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।